wiggle, wiggle. Like. हेलो दोस्तों, वीडियो का थंबनेल देखकर आपको पता लग ही गया होगा कि आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आप जो लैपटॉप और डेस्कटॉप यूज़ करते हो उसके माउस कर्सर की टेल को आप किस तरह से मूवेबल बना सकते हो। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल द सुधीर जांगिड़ में और मैं हूं आपका दोस्त सुधीर। तो जल्दी चलिए एक मैं आपको लुक दिखाता हूं, एक आपको छोटा सा आपको मेरे लैपटॉप का वीडियो दिखाता हूं जिससे आपको पता लगे कि किस तरह से माउस की जो टेल है, कंप्यूटर में जो माउस कर्सर होता है उसकी जो टेल है किस तरह से मूविंग बार बार ऐसे पूछ हिलती रहेगी उसकी। तो चलिए एक लुक लेते हैं पहले। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपको मैं यहाँ पर अभी जूम करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से ये जो मेरा माउस कर्सर है इसकी टेल जो है बार बार मूव किए जा रही है। आपको ये देखिए, मैं एक बार जूम करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे किस तरह से माउस कर्सर की जो टेल है वो कंटिन्यूसली हिले जा रही है, बार बार मूव कर रही है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों, जब आप किसी के भी सामने इस तरह से अपना लैपटॉप जब ओपन करेंगे या डेस्कटॉप जब ओपन करेंगे और जब ये माउस कर्सर की टेल जब हिलती ही नज़र आएगी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है दोस्तों। किसी के भी सामने आप अगर ऐसा अपने लैपटॉप में करके रखेंगे तो ज़रूर पूछेगा यार ये कैसे हो रहा है। और आप एक्स्ट्रा आपको बताऊँ कि आप कुछ भी काम करेंगे, किसी भी फोल्डर में जाएंगे, किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाएंगे या फिर आप अपने लैपटॉप को डेस्कटॉप को टर्न ऑफ करके दोबारा टर्न ऑन करेंगे, ये हमेशा आपकी जो है कर्सर की टेल वो हिलती रहेगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है दोस्तों जब भी ये आपकी कर्सर की टेल हिलती हुई नज़र आती है। तो इसी के बारे में आज बताने वाला हूँ और किस तरह से आप ये अपने डेस्कटॉप में या लैपटॉप में इस माउस कर्सर को, इसकी टेल को जो है वो मूवेबल बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, 5 से 7 मिनट का काम है ओनली, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको जल्दी से बता देता हूं, लेकिन उसके पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों आप लोगों से कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हों और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बिना किसी देरी के चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर आप अपने माउस कर्सर की टेल को मूवेबल बना सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है कि मैं एक लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और उस लिंक को कॉपी करना है आपको सिंपली। तो यहाँ पर मैंने एक नोटपैड में एक फ़ाइल बनाई हुई है डेस्कटॉप पर, इसके अंदर वो लिंक है, ये लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक को कॉपी करना है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर कॉपी किया है, इसको सिंपली कॉपी करना है और कोई भी अपना एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पर अपना क्रोम ब्राउज़र यूज़ करता हूँ तो क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ आपके सामने। तो आपको कोई भी एक क्रोम ब्राउज़र या कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है और उसके सर्च बार में आपको ये पेस्ट करना है और सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है या एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने ये वाली एक वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगी। यहाँ पर इस वेबसाइट में दोस्तों जो एक्सपी विंडो थी उसके अंदर जो भी माउस कर्सर यूज़ होते थे, जितने भी माउस कर्सर थे उन सब की एक लिस्ट आपको यहाँ पर ये नीचे नज़र आएगी। जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत सारी यहाँ पर बहुत बड़ी लिस्ट है। तो जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ उस तरीके से आपको जो भी कर्सर पसंद है या जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप कोई सा भी, आप इस तरीके से कोई सा भी आप कर्सर लगा सकते हैं। तो अभी मैं आपको ये माउस की जो टेल हिलती है वो वाला बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे वेग टेल के नाम से आपको ये यहाँ पर कर्सर नज़र आएगा, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने यहाँ पे इसे डाउनलोड करने का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। तो आपको सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करना है और विद इन ए सेकेंड आपकी ये फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो सिंपली आपको दोस्तों जहाँ पर ये डाउनलोड हुआ है उस फोल्डर को आपको ओपन कर लेना है। फोल्डर ओपन होने के बाद में दोस्तों जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं डाउनलोड्स में, मेरे यहाँ पर डाउनलोड्स वाले फोल्डर में ओपन हुआ है। यहाँ पे सबसे ऊपर जो है आपको ये फाइल नज़र आ रही है जो हमने अभी डाउनलोड की है। तो अभी सिंपली आपको दोस्तों जो है इस विंडो को मिनिमाइज़ कर देना है, मिनिमाइज़ करके आपको बाहर आ जाना है अपने डेस्कटॉप के ऊपर। और उसके बाद में आपको दोस्तों सिंपली अपना कंट्रोल पैनल में जाकर कंट्रोल पैनल वाले आइकन पर क्लिक करना है, कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। अभी यहाँ पे आपको कैटेगरी में जाकर के लार्ज आइकन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर इस लिस्ट में आपको माउस सर्च करना है। तो यहाँ पर माउस सर्च करने के बाद माउस वाली सेटिंग पे आपको क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। जब ये विंडो ओपन हो जाएगी तो इसमें ऊपर यहाँ सेकंड नंबर पे पॉइंटर का ऑप्शन आपको नज़र आएगा, इस पॉइंटर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कई सारे पॉइंटर नज़र आएंगे जिनकी एक लिस्ट में से आप कोई भी आपको जो अच्छा लगता है वो भी सिलेक्ट आप कर सकते हैं।
और नीचे आप अगर ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर बहुत सारी लंबी लिस्ट नज़र आएगी। अभी इस लिस्ट के अंदर हमने जो डाउनलोड किया है वो लेकर के आना है, वो अभी इसमें नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, सिंपली आपको जो आपने डाउनलोड वाले फोल्डर में आप फाइल डाउनलोड की है वेगटेल की, उसको आपको सिंपली कट कर लेना है दोस्तों यहाँ से। और उसके बाद में आपको जाना है आपकी लोकल डिस्क सी के अंदर। लोकल डिस्क सी के अंदर जाने के बाद में आपको दोस्तों विंडो वाले फोल्डर में जाना है। विंडो वाले फोल्डर में जाने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर कर्सर के नाम से एक फोल्डर नज़र आएगा, तो कर्सर वाले फोल्डर के अंदर आपको जाना है, इसको ओपन करना है और वो फाइल आपको वहाँ से कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। जैसे आप पेस्ट करेंगे ये सिंपल एक परमिशन मांगेगा, इसको आपको कंटिन्यू कर देना है और वो फाइल यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। बस इतना सा काम करना है दोस्तों और आपका काम हो गया। इसके बाद में दोबारा से आपको वही कंट्रोल पैनल में जाना होगा। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद में आपको फिर से माउस वाली सेटिंग के अंदर जाना होगा। तो देखिए दोस्तों अभी हम दोबारा से माउस वाली सेटिंग के अंदर आते हैं और वापस से हम सेकेंड वाले ऑप्शन पॉइंटर पर क्लिक करेंगे। तो पॉइंटर पर क्लिक करने के बाद में वो जो लिस्ट नज़र आती है उसके नीचे वाले ब्राउज वाले बटन पर हमें यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ब्राउज वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो इस लिस्ट में आप नीचे आ जाइए, आपको वेगटेल के नाम से वो जो फाइल हमने डाउनलोड की थी वो आपको यहाँ पर नज़र आएगी। सिंपली आपको इसे ओपन कर लेना है। आप इसे ओपन करते ही आपको यहाँ पर अप्लाई करना है और ओके कर देना है और आपका काम हो गया। अब आप देखेंगे कि आपके माउस कर्सर की जो टेल है वो कंटिन्यूसली मूव करना स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए मैं आपको जूम करके बताता हूँ यहाँ पर, ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा सर, अगर आप विंडो 10 यूज़ करते हैं तो विंडो की के साथ अगर आप प्लस वाला बटन तो दबाते हैं तो आपका जिस जगह कर्सर होगा उसी जगह पर आपका जूम हो जाएगी आपकी स्क्रीन, और माइनस का अगर बटन दबाएंगे तो जूम आउट हो जाएगी। तो देखा दोस्तों कितना आसानी से आप सब भी अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप के माउस की टेल को इसी तरह से मूवेबल बना करके अपने कंप्यूटर को या डेस्कटॉप को एक इंटरेस्टिंग और एक अट्रैक्टिव लुक दे सकते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।